थ्री को इन्फो नहीं दी, इनको नॉकआउट कर देगा। बंडिट गॉड पार्टी करते हुए रॉक्स अपने प्लेयर को रिवाइव करने में सफल होंगे, बट थर्ड सर्कल क्लोज हो जाएगा। हाइड्रा के लिए प्रॉब्लम बढ़ती हुई नजर आई, केविन ई स्पोर्ट्स ने करी है थर्ड पार्टी, और देखते ही देखते हाइड्रा के प्लेयर्स वहां पर डोमिनेट होते हुए नजर आए। हालांकि वहां पर ट्रेड उनकी तरफ से भी आ जा रहा, कोई नहीं आखिरी प्लेयर, आखिरी उम्मीद और हाइड्रा के भी आखिरी प्लेयर रहेंगे। स्प्रे गॉड नॉकआउट पड़े स्टार बॉय, वो आखिरी प्लेयर फर्स्ट एड पॉप इन कराया गया, क्वीनी की तरफ पुश जाता है, क्योंकि यहाँ पर पुश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट उसके पहले शायद एक मॉली वो थ्रो करने की जरूरत है आपको। जी हाँ, वो मॉली थ्रो करी जाएगी, थोड़े से डैमेज उसके साथ फाइट लेने की कोशिश, कोई नहीं, वो पीक लिया गया जरूर, उनको लो करा गया, उनको फिनिश करा जाएगा। हाइड्रा इस फाइट को अपने नाम करेगी, चार फिनिशेस निकाला बट अपने दो प्लेयर्स खोए। शायद स्प्रे गॉड उनको रिवाइव भी मिल पाएगा, हालांकि चाहिए टीम मिडवे भी आते हुए नजर आ रही है, तो हाइड्रा के लिए मुश्किल है। बट हाइड्रा के लिए मुश्किलें बनेंगी तो इन टीमों के लिए भी बढ़ने वाली, क्योंकि इनके पास भी प्लेयर्स नहीं रहेंगे। और इसी के साथ साथ स्प्रे गॉड उस आखिरी प्लेयर का भी एलिमिनेशन करेंगे, श्रृंगन।